हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ द पार्टनर में हम लोगों ये सीख रहे थे कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर में हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। फिर लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एडमिशन ऑफ द पार्टनर में जब हम लोग न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें थ्री टाइप्स का क्वेश्चन होने वाला है। एक टाइप वन क्वेश्चन होगा, एक टाइप टू क्वेश्चन होगा एंड टाइप थ्री होगा। टाइप वन टाइप टू मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था, टाइप वन को तो मैंने प्रैक्टिकल भी बनाकर सिखा दिया। ठीक है, आज मैं टाइप टू क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी तरीके में टाइप टू क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर रहा हूं। तो प्रीवियसली वीडियो में हम लोगों ने टाइप वन क्वेश्चन देखा था, जिसमें हम लोग ये सीखे थे कि लेट्स सपोज ए बी सी तीन पार्टनर है, एक नया पार्टनर डी का एडमिशन हो रहा बिजनेस में। ठीक है, तो डी ने लेट्स सपोज डी को प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है। ठीक है, डी को प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिला, 1/6। तो टाइप वन क्वेश्चन में ये होता था कि ए बी सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था। मतलब सिंपल से बात है, जो डी को प्रॉफिट में 1/6 हिस्सा मिला हुआ है, इसमें ए ने बी ने सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ए ने बी ने सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, मीन्स कितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता था। ये हम लोग का टास्क था टाइप वन क्वेश्चन। अभी हम लोग करेंगे आज को टाइप टू क्वेश्चन। टाइप टू क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, टाइप टू क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि ए बी सी ने कितना, ए बी सी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, जो जो प्रॉफिट डी को मिला, डी को प्रॉफिट कितना मिला, 1/6 मिल रहा है ना दोस्तों। तो इस 1/6 में ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, पी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये क्वेश्चन में अब क्या होगा दोस्तों, गिवन होगा। क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में आप गिवन होगा कि डी को जो भी प्रॉफिट में हिस्सा मिला, इसमें ए और बी ने एंड सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये क्वेश्चन में गिवन होने वाला है अब क्वेश्चन में। तो अभी हम मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन एग्जांपल करा के दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पूरा क्लैरिटी हो जाए और आपको टाइप टू क्वेश्चन में कुछ भी डाउट नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल आप लोग देखो कि एग्जांपल में क्या हो रहा है। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे क्या है आपका, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। मतलब ए और बी दो पार्टनर है, उन लोगों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में। ठीक है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी का एडमिशन 1/4 शेयर के लिए हो रहा है, मतलब सी का प्रॉफिट में से कितना 1/4। ठीक है, विच ही एक्वायर्ड, सी ने एक्वायर किया है ए एंड बी से कितना, 2:1 में। मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया, देखो सी को शेयर प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, जो सी ने ए एंड बी से कितना रेशियो कितना शेयर एक्वायर किया, 2:1 के फॉर्म में एक्वायर किया ए और बी से। मतलब सी ने ए एंड बी, जो सी को 1/4 शेयर मिला है, तो ए एंड बी से उन्होंने 2:1 के फॉर्म क्या, 2:1 के प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा लिया है। फाइंड न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो निकालना हम लोग को, तो इसका सोल्यूशन एकदम इजी होने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ओल्ड रेशियो ऑफ ए और बी का कितना है दोस्तों, 5:3। ठीक है, फिर सी शेयर ऑफ सी का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4। तो ये सी ने जो 1/4 सी को प्रॉफिट में हिस्सा मिला है, तो सी ने इस 1/4 में से 2:1 के फॉर्म में क्या हुआ, प्रॉफिट माना किससे, ए से एंड बी से। मतलब ए ने 2/3 सेक्रीफाइस किया और बी ने 1/3 सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। हम लोगों ने क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्री फाइव रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा दोस्तों। सबसे पहला बात सेक्रीफाइस मेड बाय ए, सेक्रीफाइस ए ने कितना किया है, तो सी का प्रॉफिट में सब 1/4 है और ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/3 के फॉर्म में, तो 2 यहाँ पे होगा आपका 12 सेक्रीफाइस मेड बाय बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/4 और कितना है, 1/3। 1/3 होगा क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो कितना दोस्तों, 2:1। तो ए और बी ने, मतलब सी को जो 1/4 मिल रहा है, इसमें से सी ने एक्वायर किया ए और बी से किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में एक्वायर किया हुआ। ठीक है, तो 1/3 तो हो गया दोस्तों आपका, आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया किसका दोस्तों, ए का एंड बी का। ठीक है, तो मतलब ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, ये आपका ये बोला हुआ है क्वेश्चन कि जो 2:1 है ना, इस सी को जो 1/4 मिला है, तो इन्होंने ए से एंड बी से इस रेशियो में पैसा, मतलब पैसा मीन्स प्रॉफिट में हिस्सा मांगा है। तो अभी हम लोग ए का सेक्रीफाइस हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने बी का सेक्रीफाइस निकाल दिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन
of new ratio. अब हम लोग क्या निकालेंगे, new ratio का calculation करेंगे. New ratio of A. A का new ratio क्या होगा दोस्तों? पहले सबसे पहले तो new ratio का formula क्या होगा दोस्तों? ये मैं लिख देता हूँ. Old ratio minus sacrifice ratio. Old ratio minus sacrifice ratio. Old ratio हम लोग कितना है? 5/8. A का कितना है? A का 5/8 होगा और new इसका sacrifice ratio होगा आपका 2/12. ये होने वाला है. इसका हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे. एलसीएम कितना होने वाला होगा? 24. तो आपका यहाँ पे होगा 15. कितना होगा दोस्तों? 15. यहाँ पे होगा आपका 4. यहाँ पे होगा आपका 11/24. हो गया. फिर न्यू रेशियो ऑफ बी, बी का न्यू रेशियो निकालेंगे. तो बी का सबसे पहले ऑल रेशियो कितना होगा दोस्तों? 3/8 माइनस 1/12. सिंपल. यहाँ पे होगा आपका 24, यहाँ पे होगा आपका 9, और 8 आपका होगा 8/24. कितना होगा दोस्तों आपका? आपका यहाँ पे सिंपली क्या होगा? 8/24. सिंपली होगा आपका 8/24. ठीक है. फिर हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे. यहाँ पे आपका 2/20, यहाँ पे आपका 2 होगा. यहाँ पे कितना होगा आपका? यहाँ पे होगा 7/24. कितना होगा? 9-2 7. कितना होगा आपका? 7/24. ये आपका हो गया. तो ए का बी का अभी हम लोग लिखेंगे. न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी. ए बी सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए बी सी का न्यू रेशियो होगा, ए का न्यू रेशियो होगा आपका, आपका ए का न्यू रेशियो होगा 11/24. बी का होगा आपका 7/24. एंड सी का आपका कितना? सी का न्यू दिया रेशियो 1/4. तो ऐसा तो होगा नहीं. हमको डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा. तो एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिससे कि नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ऐसा कौन सा मैं नंबर लूँ जिससे कि ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँ और नीचे भी मल्टीप्लाई करूँ, जिससे कि हम लोगों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हम लोग का इजीली सॉल्यूशन हो जाए. तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा देखो 11/24 7/24 एंड 6 यहाँ पर आपका 24. मतलब आपका न्यू रेशियो क्या हो गया दोस्तों? 11:7:6. ये था आपका टाइप 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन. एकदम सिंपल है. इस तरीके से हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ही नहीं. इस तरीके से आप लोग करोगे तो आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम कभी फेस करना नहीं पड़ेगा. ये हो गया आपका. फिर हम लोग करेंगे, आप इसे फटाफट नोट डाउन कर लो. फिर हम लोग करेंगे आप टाइप 2 क्वेश्चन. क्या करेंगे? टाइप 2 क्वेश्चन का एग्जांपल नंबर सेकंड. ठीक है, टाइप 2 का हम लोग करेंगे आप एग्जांपल नंबर सेकंड. देखो टाइप 2 में हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड, जिसमें क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2. डब्ल्यू इज एडमिटेड, डब्ल्यू को एडमिट किया गया 3/10 शेयर के लिए. विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स वाई जेड, मतलब डब्ल्यू को जो 3/10 शेयर मिला है, तो डब्ल्यू ने इस 3/10 शेयर के लिए एक्स वाई जेड से इक्वली शेयर में हिस्सा मांगा है. फाइंड न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो. तो हम लोग को निकालना है कि न्यू रेशियो क्या होगा और हम लोगों का सैक्रिफाइस रेशियो क्या होने वाला है. देखो ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो कितना दोस्तों? 5:3:2 है. डब्ल्यू का शेयर कितना? 3/10 है. कितना दोस्तों हम लोगों का? W का शेयर हो गया आपका 3/10. W का शेयर कितना दोस्तों? 3/10. W ने एक्स वाई जेड से, W ने एक्स वाई जेड से 1:1:1 के फॉर्म में क्या रेशियो लिया हुआ, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा माना है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइस मेड बाय एक्स. एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया? तो W का शेयर कितना? 3/10. कितना दोस्तों? 3/10. तो एक्स ने कितना किया? 1/3. कितना दोस्तों? 1/3. तो कितना हो जाएगा एक्स का? 1/10. फिर हम लोग सेम निकालेंगे वाई का. ठीक है, वाई का कितना दोस्तों? तो यहाँ पर भी 3/10, 1/3. वाई ने भी कितना? 1/3 के फॉर्म में किया. तो ये भी कितना होगा? 1/10. और यहाँ पर भी कितना होगा? 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10. मतलब सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड का कितना? 1/10 एंड 1/10. ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो है किसका? एक्स वाई जेड का. अब हम निकालेंगे न्यू रेशियो. तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो क्या निकालेंगे दोस्तों? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. अब न्यू रेशियो का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे आप लोग? तो सबसे पहले न्यू रेशियो का फॉर्मूला फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को. न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस
सेक्रीफाइस, क्या होता है दोस्तों, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो एक्स न्यू रेशियो ऑफ एक्स, न्यू रेशियो ऑफ एक्स, एक्स का न्यू रेशियो कितना होगा दोस्तों, तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 5/10 है ना, 5/10, और एक्स का सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 1/10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे होगा आपका 10, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 1, दैट मीन्स 4/10, ठीक है। फिर न्यू रेशियो ऑफ वाई, तो वाई का न्यू रेशियो कितना है 3/10, तो आपका सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या होगा वाई का 3/10, 3/10 कितना होगा दोस्तों 3/10, और वाई का सेक्रीफाइस कितना दोस्तों 1/10, तो 2/10 इजी। फिर न्यू रेशियो ऑफ आपका जेट, जेट का न्यू रेशियो क्या होगा दोस्तों, जेट का न्यू रेशियो होगा आपका 2/10 माइनस 1/10, आपका होगा 10, यहाँ पे होगा आपका 2, यहाँ पे होगा 1/10, ठीक है। तो इस तरीके से आपका न्यू रेशियो किसका निकल के आ गया दोस्तों, न्यू रेशियो हो गया आपका एक्स वाई एंड जेड का, किसका, एक्स वाई जेड का। तो हम निकालेंगे, लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू कितना होगा दोस्तों, तीनों का, तो एक्स का आपका 4/10, इसका है आपका 2/10, जेड का आपका 1/10, और इसका कितना दोस्तों 3/10। इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम लोग न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे टाइप टू क्वेश्चन में। अब ये जो एग्जांपल नंबर 3 है, ये आप लोग के लिए होमवर्क होगा, ये आप लोग घर पे कर लेना, एकदम सेम क्वेश्चन डिटो इसका चाहिए। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 4 आप लोग प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जिससे कि आप लोग को एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर टू अवर चैनल।